जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों अगर आप हरियाणा पुलिस में जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा पुलिस की तरफ से 7298 सीटों पर भर्ती आई हुई है। दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बन रही है, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आपको जॉब के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग सारी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट की। दोस्तों ये जो भर्ती है 7298 पोस्टों पर ये भर्ती आई है, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी भर्ती है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टों पर भर्ती आई है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस फॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर भरें। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया है और जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रखा गया है। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये रखा गया है। दोस्तों इस फॉर्म को जो है ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है हरियाणा ही वाले भरेंगे, इसको जो है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। और SC और BC और EWS कैंडिडेट जितने भी मेल कैटेगरी के उनके लिए जो है 25 रुपये रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 13 रुपये रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों फॉर्म जो है 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो 10 फरवरी 2021 रखी गई है, लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की वो 13 फरवरी 2021 रखी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जॉब लोकेशन की। दोस्तों इसका जो जॉब लोकेशन है वो आपको हरियाणा में ही इसकी जॉब आपको करनी पड़ेगी, आप किसी भी स्टेट के रहेंगे आपको जॉब जो है हरियाणा में ही मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। दोस्तों इसमें जो एज होनी चाहिए वो आपकी मिनिमम एज जो है 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर होनी चाहिए, और SC ST और OBC कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन की छूट दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोस्तों इसमें जो कांस्टेबल GD के लिए आपका जो है 12th पास होना जरूरी है, आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हो, अगर आपका साइंस है या आर्ट्स है तो भी आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल डिटेल्स की। दोस्तों इसमें जो फिजिकल डिटेल्स है इसमें जो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 1.70 और होनी चाहिए और 1.68 सेंटीमीटर जो होनी चाहिए वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 1.58 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 1.56 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं चेस्ट। दोस्तों इसमें जो चेस्ट होना चाहिए वो मेल कैंडिडेट के लिए 83 से 87 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। दोस्तों इसमें जो रनिंग रखी गई है इसमें जो है 2.5 किलोमीटर आपको जो है 12 मिनट में मेल कैंडिडेट को रनिंग करना है और 1 किलोमीटर जो है 6 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को जो है रनिंग करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो है मोड ऑफ सिलेक्शन की। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले जो दोस्तों आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो है फिजिकल होगा, इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है, आपके मन में डाउट है तो आप कॉमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।